शुरुआती की स्टेज में मरीज को दिखता है कि वो आसानी से थकावट शुरू हो जाती है, जो चल के 3-4 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो 1-2 किलोमीटर के बाद बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे आगे जैसे गाड़ी बढ़ती है तो पैरों में सूजन आ जाती है या मुंह के आंखों के पास ज़्यादा सूजन आती है, उसको भी लोग कहते हैं कि नहीं वो सर्दी की वजह से हो रहा है, ये कुछ खाना ज़्यादा खाया या ज़्यादा शराब पी ली रात को, इसकी वजह से ये हो रही है स्वेलिंग। तो ये गलत फहमियाँ हो जाती है और उसका टेस्ट होता ही नहीं है। जब जाके आप कभी अल्ट्रासाउंड करते हो पेट के, तब जाके कोई डॉक्टर बोलते थे कि भाई तुम्हारी किडनी में खराबी आ रही है। तो आपने अगर ट्रांसप्लांट के बारे में एक बार डिसीजन ले लिया है तो ये आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है। अब अक्सर मरीज़ आके बोलते हैं कि मेरा तो एक चाचा है, एक ताया है, एक भतीजा है, ये सारे आपके रिश्ते हैं ज़रूर, लेकिन सरकार इसको रिश्ता नहीं मानती। पहले एक बार किडनी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बनी हुई है, ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने कि अगर एक बार किडनी ख़राब हो जाए तो वो दोबारा रिपेयर करके ठीक नहीं कर सकते हम उसको। एंड जो डोनर जो किडनी देने वाला है, उस आदमी के टेस्ट का मकसद है कि वो किडनी देने के बाद भी एक किडनी पे आगे अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तुसी देख रहे हो सांझा पंजाब टीवी, मैं हाँ गुरमीत राज अमृतसर तो। उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। दोस्तों जे आप अज की गल करिए तो बीमारियां तकरीबन हर घर के बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कारण कुछ साडा रहन सहन भी है, कुछ साडा असी तकरीबन जे जिंदगी की गल करिए तो इन्नी बिजी साडी लाइफ हो चुकी हैगी आ, तो असी जिहड़ी मेहनत करना बिल्कुल वह बंद कर चुके हैगे आ। जे आप वड्डी गल करिए तो पहलों के समय की, तो पहलों के समय के दसा पिंडां दे विच एक डॉक्टर जिहड़ा हैगा सी वह अवेलेबल हुंदा सी, हकीम जिहड़ा हुंदा सी, जिहड़ी बीमारी हैगी सी वह कंट्रोल दे विच हुंदी सी। लेकिन जे अज दे टाइम की आप गल करिए एक पिंड दे विच ते गल दूर दी रह गई है, एक गली दे विच एक 10-10 डॉक्टर होंदे ने लेकिन बीमारी कंट्रोल दे विच नहीं होंदी पी। कारण सब तो वड्डा कारण यही होगा कि साडा खाण पीन वो साडा रहन सहन हैगा, जिहदे करके साडू बीमारियां हरेक लगनियां शुरू हो चुकी हैं। जे आपां गल करिए तो किडनी की प्रॉब्लम की, किडनी जिहड़ी हैगी आ, किडनी साडा मेन जिहड़े साडे शरीर दे विच दो पार्ट हैगे, दो किडनियां होंदियां आ जिहदे नाल असी सारा डाइजेस्ट करदे हाँ, खाण पीन का सारा सिस्टम जिहड़ा हैगा वो किडनी नाल ही चलदा, चाहे बाथरूम की गल करिए जां किसी होर भी चीज़ की आपां गल करिए। लेकिन जिन्हां लोकां दी किडनी खराब हो जाती आ उन्हां नूं उन्हां दी बदलनी पैंदी आ, असी गलबात करांगे। साडे नाल जुड़ चुके ने डॉक्टर आदित्य प्रधान जी, जिहड़े कि किडनी ट्रांसप्लांट दे स्पैशलिस्ट हैगे ने और जिहड़े बहुत ही वधिया डॉक्टर जी। आपां गल करिए तो इस चीज़ का तकरीबन 30-40 साल तो तजर्बा भी इन्हां नूं हैगा। आपां गलबात करदे उन्हां नाल, वो जानते जी प्रॉब्लम क्यों होंदी और किस तरह ये तो बचा भी जा सकता और जे लास्ट स्टेज होंदी है तो कितना आपां उहदे तों उन्हों आप अपने जीवन बचा सकते हैं। सर सब तो पहले सांझा पंजाब टीवी में आपका स्वागत करता हूँ जी। जी सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच दैट आपने मुझे इधर एक मौका दिया आपके व्यूअर्स के साथ जुड़ने का। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य प्रधान, मैं BLK मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से आया हूँ और हमारा जो यहाँ का आने का मकसद ये था कि यहाँ पर हम लोग आपके डॉक्टर्स के साथ, आपके पेशेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके एक जो हम लोग की स्पेशलिटी है जो ट्रांसप्लांट और कैंसर्स के है, उसका काम हम लोग यहाँ पे आपके टीम्स के साथ, आपके डॉक्टरों के साथ मिलके शुरू कर ले। अगर पहले बात करो तो किडनी फेलियर जो है, वो किडनी फेलियर शुरू में पता नहीं लगता किसी चीज़ से, क्योंकि मरीज़ की धीरे धीरे ही एक प्रोग्रेशन होती है कि वो किडनी फेलियर में चले जाता है। उसमें साल लगते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं। शुरुआती की स्टेज में मरीज़ को दिखता है कि वो आसानी से थकावट शुरू हो जाती है, जो चल के 3-4 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो 1-2 किलोमीटर के बाद बैठ जाता है। ये ऐसे शुरुआत की स्टेज में होता है। फिर डॉक्टर साहब है आपको के पास चले गए, बोलते कि भाई आपका काफ़ी पैलर है, सांवला हो गया, तो उसका कारण अगर ढूंढेंगे तो फेलियर की तरफ एक इशारा आ जाता है। जब ब्लड टेस्ट करोगे, अगर सिर्फ अनीमिया है, हीमोग्लोबिन करके छोड़ दिया, जैसे कई बार हो जाता है कि हीमोग्लोबिन है, या आपका 10 हीमोग्लोबिन है, आयन की गोली खा लो, ये करके छोड़ देते कई बार इस चीज़ को, इसका टेस्ट नहीं कर देते कि क्यों हुआ ये, तो एक ये हो जाता है कि एक पैलर आ जाते। फिर धीरे धीरे आगे जैसे गाड़ी बढ़ती है तो पैरों में सूजन आ जाती है या मुंह के आंखों के पास ज़्यादा सूजन आती है, उसको भी लोग कहते हैं कि नहीं वो सर्दी की वजह से हो रहा है, ये कुछ खाना ज़्यादा खाया या ज़्यादा शराब पी ली रात को, इसकी वजह से ये हो रही है स्वेलिंग। तो ये गलत फहमियाँ हो जाती है और उसका टेस्ट होता ही नहीं है।
जब जाके आप कभी अल्ट्रासाउंड करते हो पेट के, तब जाके कोई डॉक्टर बोलते थे कि भाई तुम्हारी किडनी में खराबी आई है, या किसी ने आपके ब्लड टेस्ट किए बाकी चीज़ के लिए, जैसे कोई फीवर आया किसी को तो आपने टेस्ट करे, तब पता लगता है कि ये किडनी फेलियर के लक्षण हैं। वेल, एक बार किडनी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बनी हुई है, ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने कि अगर एक बार किडनी ख़राब हो जाए तो वो दोबारा रिपेयर करके ठीक नहीं कर सकते हम उसको, और वो धीरे धीरे आगे जाके फेलियर पूरी तरीके से बैठ जाती है, बट उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो फेलियर एक बार आ गया तो उसके 5 स्टेज होते हैं फेलियर के। शुरुआती की स्टेज जैसे मैंने बताया, सिम्टम बहुत हल्के होते हैं, और वहाँ से जाके बिल्कुल किडनी फेलियर, एंड स्टेज किडनी डिजीज उसको बोलते हैं, इसको कई साल लगते हैं। तो इस दौरान अगर किसी डॉक्टर का प्रॉपर नेफ्रोलॉजी का अपने हेल्प नेफ्रोलॉजिस्ट का हेल्प लिया तो काफ़ी हद तक ये सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, किडनी की फेलियर की रेट जो है, रफ्तार जो है, उसको आप कम कर सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं, एक जैसे आपने कहा था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिकॉज ये बीमारियां काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल के साथ कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें फर्स्ट इज़ कि वेट लॉस, मोटापा अगर है तो यू हैव टू डू डाइट और एक्सरसाइज ताकि आपका वज़न जितना आइडियल वेट के पास आ सकते हो वो आपके लिए बेटर है। दूसरा है कि ब्लड शुगर का कंट्रोल, अभी डायबिटीज़ आप जानते हो इंडिया सारे दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है, सो डायबिटीज़ की कंट्रोल के लिए दवाई लेके उसको जितना रेगुलेट करे वो किडनी को बचा सकता है। तीसरी चीज़ है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर काफ़ी प्रेविलेंट है, एंड जैसे किडनी फेलियर बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी होती है, और वो बहुत ज़रूरी है। कई मरीज़ों का हमने देखा है कि एक महीना दो महीना इलाज किया, वो कंफर्टेबल फील करने लगे, फिर बोलते दवाई की ज़रूरत नहीं, छोड़ देते। ये गलतियाँ नहीं करनी है हमने, इसको प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए डेली मेडिसिन लेनी है, प्लस कुछ किडनी के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ देते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, जिससे आपका काफ़ी अच्छा काम होता है। डाइट के तौर पे नॉर्मली जो बताई जाती है बात कि हैवी प्रोटीन डाइट अवॉइड करना है, 30-40 ग्राम पर डे का डाइट का हिसाब अगर प्रोटीन का रहे तो जो नॉर्मल घर का खाना पीना है दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एक्स्ट्रा डाइट जैसे कि ये लोग अभी आप देख रहे हो काफ़ी जिम्स में ये बच्चे वे प्रोटीन ये करके खाते, हाई प्रोटीन डाइट लेते, दे कैन बी वेरी हार्मफुल, तो वी शुड अवॉइड दैट, डाइटरी फैट्स अवॉइड करने। देन फ्रूट्स के हिसाब पे नॉर्मल 1-2 डेली फ्रूट्स विदाउट हाई पोटेशियम लोड, लाइक बनाना केले में काफ़ी पोटेशियम का लोड है, यू शुड अवॉइड दोस। यू कैन हैव एप्पल, यू कैन हैव ग्रेप्स, बट ये है कि यू शुड हैव इन मॉडरेशन, एक या दो हेल्पिंग्स के साथ उसको रोकना है। सो इस तरीके से यू कैन मैनेज फेलियर। अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट्स अब किडनी फेलियर तक पहुंच गए तो उसके लिए एक्चुअली इलाज या तो डायलिसिस करना है या तो ट्रांसप्लांट, दोनों में बहुत अंतर है। डायलिसिस का मरीज़ जो है उसको हॉस्पिटल में जाके हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाना है, जब तक डायलिसिस हो रहा है तब तक उसका गुजारा सही हो सकता है, लेकिन वो मरीज़ उस मशीन के साथ बंधा हुआ है, उसकी पूरी लाइफ उस मशीन के साथ बंधी हुई है, हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल जा रहा है, हर टाइम डायलिसिस 4 घंटे का होता है, उसके बाद उसको पूरा दिन रेस्ट करना है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। काफ़ी हद तक वो मरीज़ अपने काम से उसको छुट्टी लेनी है, और घर वाले भी सारा उनका पैसा, उनका पूरा अटेंशन सिर्फ इस बीमारी के, इस मरीज़ के इलाज की तरफ चले जाता है। इसलिए अगर मेरी हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस होता है कि आप डायलिसिस छोड़ के ट्रांसप्लांट की तरफ सोचो, ट्रांसप्लांट अगर मरीज़ का हो जाए तो वो बिल्कुल जैसे पहले था वैसे नॉर्मल परिस्थिति में आ जाता है मरीज़, उसने सिर्फ टैबलेट्स लेनी है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो अगर किसी पेशेंट की किडनी बहुत ख़राब हो चुकी है और जहाँ पर नौबत आनी शुरू हो गई, नौबत आ गई है कि मतलब उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे उसे बदलेंगे, कितना खर्चा आएगा, ऐसी कोई बातें आप बता दीजिए। सो आपने अगर ट्रांसप्लांट के बारे में एक बार डिसीजन ले लिया है तो ये आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है, ये पूरे फैमिली का एक डिसीजन है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में तो इसके कानून क्लियरली बने हुए कि ट्रांसप्लांट कैसे होना है, इसको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट किया कहा जाता है इस रोल, और इसमें फर्स्ट चीज़ है कि आपका डोनर जो है वो आपके परिवार सदस्य से ही होना है।
तो जिसको लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब अक्सर मरीज आके बोलते हैं कि मेरा तो एक चाचा है, एक ताया है, एक भतीजा है, ये सारे आपके रिश्ते हैं ज़रूर, लेकिन सरकार इसको रिश्ता नहीं मानती है। सरकार रिश्ता सिर्फ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को मानते हैं। इसका मतलब है जिसके मतलब शादी हुई है तो उसका स्पाउस उसको किडनी दे सकता है, इसके जो मदर फादर है माता पिताजी वो दे सकते हैं, उसके भाई बहन दे सकते हैं या उसके बच्चे दे सकते हैं, कुछ लोग जिसके ग्रैंड पेरेंट्स ज़िंदा है वो दे सकते हैं। इसकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और करीब करीब 65 से कम। इसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई दबाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो अपने आप उस डोनर को, उस रेसिपिएंट को, मतलब अपने रिश्तेदार को किडनी देने के लिए सामने आना है। कोई दबाव नहीं चाहिए फैमिली से इसके डोनर के। एक आपस में चर्चा कर ली, एक डिसाइड किया कि भाई ये देने के लिए है, तो वो डोनर अपने आप से रेडी हो, ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने कहा कि एज का फैक्टर होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और इसका ब्लड ग्रुप अगर मिलता जुलता है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे मरीज़ का अगर जो रेसिपिएंट है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, इसका मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो डोनर उसका प्रेफरेबली ए ब्लड ग्रुप का होना चाहिए। ओ ब्लड ग्रुप का डोनर भी काम दे सकता है उसको किडनी। या कोई मरीज़ या रेसिपिएंट जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, वो एक किस्म का लकी आदमी है, क्योंकि उसको कोई भी ब्लड ग्रुप का किडनी चल पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक डोनर सिलेक्ट करते हैं। फिर डोनर रेसिपिएंट दोनों के पूरे टेस्ट होते हैं। एक चीज़ एस्टैब्लिश की जाती है कि ये मरीज़ जो रेसिपिएंट है वो उस ट्रांसप्लांट के लिए काबिल है, वो ट्रांसप्लांट बर्दाश्त कर पाएगा। एंड जो डोनर जो किडनी देने वाला है, उस आदमी के टेस्ट का मकसद है कि वो किडनी देने के बाद भी एक किडनी पे आगे अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन करते हैं डोनर का। कई बार होता है कि डोनर को खुद ही पता नहीं है कि उसमें भी बीमारियाँ हैं, और जब हम टेस्ट करते तब पता लगा कि इसमें डायबिटीज़ है या इसमें ब्लड प्रेशर या और कोई और बीमारियाँ निकलती है। तो इस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग होती है। तो हाँ, ऑपरेशन की बात, ऑपरेशन में करीब 4 घंटे का समय लगता है, 4 से 5 घंटे में वो ऑपरेशन हो जाता है। डोनर रेसिपिएंट दोनों का इकट्ठा होता है और ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में यूजुअली रेसिपिएंट को हम लोग 1 हफ्ता तक रखते हैं और डोनर को हम 4th दिन घर भेज देते हैं। जो डोनर है और चेक में हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ब्लड शुगर नापते हैं और इतना ही कहते हैं कि आप वज़न का अपना ध्यान रखो और अपने आप में कोई बीमारी अगर हो तो किसी डॉक्टर के पास अगर जाना हो, बताना है कि हमने किडनी दी है, क्योंकि कई मेडिसिन होते हैं जो किडनी पे असर करती है और आपके पास एक ही किडनी है। अभी यही बात होती है डोनर के लिए और कोई स्पेशल उसके लिए इलाज नहीं है। जो रेसिपिएंट होता है उसका हम लोग फॉलोअप रखते हैं, उसको टाइम टू टाइम बुलाया जाता है, टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इस रेसिपिएंट की पूरी ज़िंदगी, वो ग्राफ्ट पूरा डिपेंडेंट है दवाइयों पर, इसलिए उसको दवाई डेली लेनी है। तो इस तरीके से होता है। सर, अगर हम बात करें तो पहले लोग अमृतसर से दिल्ली जाते थे अपने मतलब कि किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए, पर अब हम लोग ये मानकर चलें कि जो दिल्ली के डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे किडनी के हैं, वो अमृतसर में आकर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। यही इसी मकसद से हम यहाँ हैं आपके साथ कि हम लोग यही चीज़ें, यही फैसिलिटीज़ को हम लोग अमृतसर में करें, यहाँ पर मौजूद है और उनको हम एनहांस करें, यही मकसद है आपके। दूसरी बात है कि ये जैसे मैंने बताया था कि ये एक टाइम हम आके काम करके फिर चले गए, इस तरीके से नहीं है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जाके हम महीने में एक बार आके यहाँ पे पेशेंट्स को खुद देखें, उनकी बात समझ लें और कुछ मेडिसिन में अगर परिवर्तन करना है हम उसी टाइम करेंगे। सो एक कंटिन्यूटी इन केयर जो होता है पेशेंट का, वो हम लोग मेंटेन करेंगे। तो अगर किसी के पास किडनी ना हो तो हॉस्पिटल की तरफ से वो प्रोवाइड करवानी पड़े तो फिर कितना खर्चा अंदाजा आप हम लोग लगा सकते हैं? कईयों की तो इंश्योरेंस भी होती है ना, कईयों के ऐसे हिसाब से कोई ना जी। ये आपकी गलत फहमी है कि हॉस्पिटल की तरफ से किडनी मिल सकती है, ये नहीं होता है। या अगर आपका डोनर नहीं है तो आपको एक ही ऑप्शन है कि आप कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज कर सकते हो। कैडेवर ट्रांसप्लांट का मतलब है कि जिस हॉस्पिटल में कई ब्रेन डेड पेशेंट का अगर एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके साथ जब उसकी डेथ होती है तो उसके ऑर्गन्स यूज़ किया जाता है, तो वो किडनी का एक सोर्स बन सकता है आपके लिए। लेकिन वो एक प्रोसेस होता है, उसका आपका नाम रजिस्टर करना होता है जिस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हो रहा है, और आपको वेट करना है। जब कैडेवर आएगा उस हॉस्पिटल में तो उससे वो आपका नंबर अगर है तो आपको वो किडनी लग जाएगी।
लेकिन ये कभी होता नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया में कि जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है आपके पास किडनी डोनर नहीं है और वो हॉस्पिटल आपको किडनी देगा, ये कहीं नहीं, मतलब खुद ही करवानी पड़ेगी पहले कोई डोनर अपने परिवार, अपने परिवार से जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होगा, डोनर आपके फैमिली से आना है। तो अगर हम सर बात करते हैं कि चलो दिल्ली के डॉक्टर, तो आप तकरीबन 30-40 साल से आपको तजर्बा भी होगा इस चीज़ का, है ना, तो जो लोगों की आपने किडनी चेंज की है उनका जीवन भी आपने देखा होगा, कोई अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कि मैंने इतने समय पहले किसी को किया आज बिल्कुल सही तरीके से जेड़ा ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहा है, चल रहा है बढ़िया। क्या कोई दबाव, हमारे करीब करीब अभी 850 से ज़्यादा मरीज़ फॉलोअप में है। नॉर्मली किडनी 10 से 12 साल तो बहुत अच्छी तरह निकल सकते हैं, एंड कभी ऐसे हुआ नहीं है कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत आती है। दिक्कत तब आती है जब मरीज़ अपने दवाइयों के बारे में ख्याल नहीं रखता है। कई मरीज़ अभी अपने आप को नॉर्मल समझते, दवाई बंद कर दी ट्रांसप्लांट के बाद, तो उस किडनी में दिक्कत आती है। नहीं तो जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे, सारे हमारे पेशेंट्स ठीक ठाक होते हैं, मोस्टली अपने नॉर्मल जो काम है वो अपने पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ए सी डॉक्टर आदित्य प्रधान जी जिहड़े कि दिल्ली के बेच जड़े गए ने अपनियां सेवावान मोदे पे ने, और किडनी की आप गल करिए कि स्पैशलिस्ट वो है और अपने जीवन की गल करिए कि तकरीबन 800 लोगों की किडनी चेंज करके उन्होंने बेहतर जिंदगी दे चुके गए, क्योंकि कई लोगों की अक्सर लोगों देखते हैं कि जरा डायलिसिस के उत्ते लोग आ जाते हैं उन्होंने वधते ही जाते हैं। मैं नहीं कह रहा जी, ये तुहानू आप नू भी इस चीज़ की जानकारी होएगी, डॉक्टर वालों भी दी जाएगी कि जिदा एक बार डायलिसिस होना शुरू हो गया जे वो हफ्ते च हो दिया है तो वह 5वें दिन 6वें दिन करते करते दिन घटन लग पे, तकरीबन रोज़ भी हूँ लग पाता गा आ, इस बेहतर यही होगा आ जा अपनी डाइट वधिया करो कि जा फिर उन्होंने किडनी चेंज करा लो। अमृतसर तो गुरमीत राय की रिपोर्ट। सत श्रीकाल, प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब पर।